टेड अपनी गर्लफ्रेंड एली को एक चाइनीज रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वो वहाँ की स्पेशल नॉन वेज थाली मंगाता है। थोड़ी ही देर में वेटर स्पेशल थाली लाकर टेबल पर सजा देता है। वो इतनी बेस्वाद और बदबूदार है कि आसपास के सारे लोग देखते ही निकल लेते हैं। अब टेड थाली से कुछ हड्डियां चुनकर निकालता है। वो उन्हें एक के बाद एक जोड़ता चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए वो इससे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। एली उसकी ये कला देखकर अचंभित है। तभी टेड अपने मुंह से तोड़कर एक दांत निकालता है। वो उसे हड्डियों के बीच में दबा देता है। असल में टेड इन हड्डियों की मदद से एक बंदूक बना रहा है, जिसमें गोलियों की जगह वो अपने दांतों को इस्तेमाल में लेता है। आखिर में वो बंदूक से एक हड्डी जोड़ता है जो उसके ट्रिगर की तरह काम करेगी। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा डराने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। एली डर जाती है। टेड उससे माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि वो इससे वेटर को शूट करने वाला है। एली वेटर को बुलाती है और जैसे ही वो उनके पास आता है, टेड उसे शूट कर देता है। वेटर को छोटी सी चोट पहुंचती है। अब इसकी प्रतिक्रिया में वेटर उस पर अपने कसाई चाकू से हमले करने ही वाला था कि तभी टेड दूसरा दांत चलाकर उसे शूट कर देता है और वेटर वहीं देर हो जाता है। इस मूवी की तुलना आप इंसेप्शन मूवी से कर सकते हैं, जहां सपने में सपना था, जबकि यहां गेम में गेम के अंदर गेम दिखाया गया है।